जय श्याराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, अक्षय तृतीया का महत्व विष्णु धर्म सूत्र, नारद पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि में, मत्स्य पुराण में भी विस्तार से वर्णन है। बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। जिस बार 22 और 23, लेकिन 22 को ज्यादा उत्तम है, दोनों दिन प्राप्त हो रही है। 23 को प्रातः काल बहुत कम समय के लिए रहेगी। उसमें भी वर्णन आया है, अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो सोने में सुहागा है, जो इस बार रोहिणी नक्षत्र की भी प्राप्ति हो रही है। यही नहीं, परशुराम जयंती के बारे में निर्णय आया है कि मध्यान्ह के पहले, दोपहर के पहले अगर द्वितीया युक्त तृतीया मिल जाए तो उसी दिन मानना चाहिए। तो उसी दिन जो है 22 तारीख को ही दोपहर के पहले तृतीया लग जाएगी। तो परशुराम जयंती का भी पावन पर्व, भगवान हयग्रीव की उत्पत्ति का पावन पर्व, नारायण की उत्पत्ति का पावन पर्व, सब उसी दिन 22 को ही मनाना श्रेष्ठ है। मेरे भाई बहन, इस दिन का इतना बड़ा महत्व मैं कई वीडियो में कह चुका हूं। कहा गया है, स्नात्वा हुत्वा च दत्त्वा च जपत्वा अनंत फलम लभेत। इस दिन व्यक्ति जो पवित्र तीर्थ नदी आदि में जाकर, अथवा असमर्थ नहीं जा सकता, अपने घर में ही प्रातः काल में गंगा जल, किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर के, अथवा भाई मेरे सामान्य जल में यह स्नान करेगा, उस भावना से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो स्नात्वा हुत्वा मतलब जो हवन इत्यादि कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, उसमें हवन इत्यादि करना, दूसरे को खिलाना पिलाना भी, दत्वा दान देगा, और इसके बाद में जपत्वा जो जप आदि करेगा, अनंत फलम लभे, वो सब अनंत गुणा फलदायी हो जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा है, कि इस दिन का किया हुआ सत्कर्म अक्षय हो जाता है। परशुराम जयंती के बारे में जैसा कि बताया कि मध्यान्ह के पहले, दोपहर के पहले तृतीया मिल जाएगी, और प्रदोष काल में भगवान परशुराम जी का प्राकट हुआ था, उसी दिन 22 को ही मनाना है, मनाया जाएगा। बहुत ही उत्तम पर्व है। इस दिन दान में हमें क्या क्या करना चाहिए, ठंडे जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा हो वो दान करना चाहिए, पंखा हो, फल हो, जैसे खरबूजा है और वाटर मेलन बोलते हैं आप लोग, तरबूज है, खीरा आदि है, पंखा है, जूता चप्पल है, अच्छे क्वालिटी का छाता है, ये सब चीज दान करना चाहिए। कई जगह कलश उसके ऊपर खरबूजा रख के मालवा आदि में दान करने की परंपरा है। तो अवश्य हमें प्रयत्न करके, और अगर आपको भगवान ने दिया है तो भैया पंखा की जगह आप टेबल फैन दे दो, कूलर दे दो, एसी दे दो, अपने आचार्य पुरोहित को दे सकते हो तो दो। भूमि दान का, स्वर्ण दान का, गौ दान का बड़ा महत्व है, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप प्रयत्न करके अधिक से अधिक दान करने का प्रयास कीजिए। और जो भी कीजिए, थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, उत्तम कीजिए। नहीं, ऐसा सामग्री दान करोगे कि जो किसी कर्म लायक ना हो, तो फिर जय जय सियाराम, फिर आपको वही प्राप्त होगा। तो इसका हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। संकीर्तन आदि विविध कर्म करा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कहा गया है, जपत्वा अनंत फलम लभे, जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो आप स्वयं विष्णु सहस्रनाम नाम का पाठ, भगवान के मंत्रों का जाप, संकीर्तन कुछ भी करा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा द्रव्य है, आप नहीं कर सकते हैं, चाहते हैं अच्छे से हो जाए, तो हम लोगों के माध्यम से भी आप चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से करा सकते हैं। चैनल का नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में 7021616365 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वहां भी हमारे सहयोगी आपको बता देंगे, तो वो भी हो सकता है। पूरे देश में अलग अलग नामों से माना जाता है, मनाया जाता है। तो मेरे भाई बहन, इसका पूरा लाभ लीजिए, जप कीजिए, स्नान कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते था संभव दान कीजिए। एक तो उस दिन का दान हो गया, उसके साथ में अगर कैपेसिटी है तो जहां आपको लगता है कि गौ माता कई सारी आती हैं, अथवा जीव जंत आते हैं, पानी नहीं मिलता है, तो वहां पर आप कुछ जल की व्यवस्था ऐसे करा दें जो जीव जंत आके ग्रहण कर लें, अथवा जो है कई चौराहे पर या कई जगह अच्छे स्थान पर मटका रखवा दें, वहां जल भराने की व्यवस्था करवा दें, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। यथा संभव हमें करना भी चाहिए। मानव जीवन है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, और अपने लिए ही करना मेरे भाई बहन, क्योंकि हम इस दिन करेंगे तो हमें क्या क्या, एक सिंपल सी बात है, हम लोग फ्लाइट में यात्रा करते हैं अथवा विशेष ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तो जो पहले से फूड इत्यादि बुक कर देते हैं उनको मिलता है, बाकी हम जैसे लोग तो देखते रहते हैं, हालांकि हमारे खाने योग्य वहां कुछ रहता नहीं है। तो
पहले से बुकिंग रहती है ना, तब ना उनको, हाँ तो 4 लोग बैठे तो उनको फूड मिलेगा और क्या क्या चीजें मिलती हैं, देख के बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे अगर हम सत्कर्म किए रहेंगे, अपना सब मामला ठीक रखेंगे, तो आगे भी हमको उन चीजों की प्राप्ति होगी। तो मेरे भाई बहन, बहुत ही अच्छा लाभ इसका है और ये लाभ हमें पूर्ण का पूर्ण लेना चाहिए। अलग अलग जगह जैसे, हाँ गन्ने के रस की भी बात आई है, वो भी कई जगह इससे बने पदार्थ, कई जगह दही चावल, दूध से बने पदार्थ, खरबूज तरबूज लड्डू का भोग लगाकर आज अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में लोग करते हैं, लेकिन करना आवश्यक है। जो भी हो सके वो अवश्य कीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और आगे जो है 27 को गुरुपक्ष योग है, उस दिन गुरु जो है प्रकट हो रहे हैं, प्रादुर्भाव हो रहे हैं मेष राशि पर, तो उस दिन का भी जो है पूरा जो है लाभ लीजिए। गुरुपक्ष योग सभी सत्कर्मों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जय श्री राम।